गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, सवाल ये है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक रुपये की ताकत क्या होती है और भारतीय कानून की ताकत क्या है, जो किसी को भी झुका सकता है और उसके सामने कोई भी गलत इरादे से टिक नहीं सकता। देखिए, बात बेंगलुरु की है। वहाँ पर होता क्या है, एक सवारी होती है, पैसेंजर होती है, वो बस में सफ़र करती है। सफ़र के दौरान जो कंडक्टर लेडीज़ होती है, ठीक है, वो उससे वो टिकट लेते हैं और टिकट एक रुपया छुट्टा के लिए दिक्कत आ जाती है, लड़ाई हो जाती है आपस में। कंडक्टर महोदय एक रुपया छुट्टा नहीं देते हैं। ऐसा होने पर जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कहा सुनी होती है, आपस में झगड़ा होता है उस बस में। इसके बाद यात्री महोदय बात ये मामला जाता है जो इनका डिपो होता है, वहाँ के जो डिपो के अफसर होते हैं वो भी एक रुपये को मामूली समझ लेते हैं और वहाँ भी एक रुपया रिटर्न करने की बात क्या, जैसे 29 रुपया, 9 रुपया या 99 रुपया, तो एक रुपया बोलते हैं ना कि नहीं है छुट्टा, और इस पर अगर कस्टमर अड़ जाता है तो उस पर क्या होता है, यही बात होती है। तो भी कहते हैं एक रुपया तो देने से मना कर देते हैं और फिर बात आगे जाती है। यात्री महोदय कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं वो इस एक रुपये की फाइट करने के लिए। बात एक रुपये की नहीं होती, बात न्याय की होती है और बात जायज़ की होती है, बात सही की होती है, बात फंडामेंटल राइट की होती है। और जब कंज्यूमर कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और, जब याचिका डाली जाती है तो ये कहा जाता है कि एक रुपये के बदले हमें 5,000 रुपया मुआवजा चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हरास किया है, हमें बदनामी किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इनकी वजह से। जो कंज्यूमर कोर्ट होता है दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में, विचार करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि देखिए 15,000 तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में ही जो कंडक्टर महोदय होते हैं उनके लिए, थोड़ा मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, मतलब उनका इशारे से बात कर रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है, जो कंडक्टर महोदय होते हैं उनको कोर्ट 1 रुपया वापस करने के साथ साथ में 2,000 रुपया जुर्माना भी लगाती है, पेनाल्टी लगाती है, 2,000 रुपया प्लस 1 रुपया जो बकाया था सारा देने के लिए आदेश देती है। तो इससे ये पता चलता है कि इस देश में, हिंदुस्तान में जो लॉ है ना बहुत बड़ा है। किसी ने कहा था कि क्या कहते हैं, जो कानून है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे आगे कोई ऊपर नहीं जा सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।